प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू SV एकेडमी रावला। आज हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिंदी में लेसन टू बचपन बचपन लेसन को रीड करने जा रहे हैं। लेसन टू बचपन जो है इसको रीड करेंगे। लेसन टू बचपन रीड, ऐसे लेसन बहुत बड़ा है, लेसन आज पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हम रीड करेंगे उस रीड करने से पहले पहले जितने भी जो भी शब्दार्थ बीच में आएंगे मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, तो उन शब्दार्थों को आपने गृह कार्य के रूप में कॉपी में करना है। तो चलो शुरू करते हैं लेसन नंबर टू बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी कि मैं तुम्हें, यहाँ पे लेखिका है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। इस बचपन पाठ के जो लेखिका है वो कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती की ये रचना है। वो कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, भी तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी कहकर मतलब, जीजी मतलब दीदी यानी बहन, जीजी कहकर ही पुकारते हैं, जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना, यहाँ पे सयाना का अर्थ है, पहले उम्र है, उम्र उम्र का अर्थ है आयु, उम्र का अर्थ क्या है आयु, सयाना बड़ा या समझदार, पहले उम्र का अर्थ है आयु या अवस्था, सयाना का बड़ा या समझदार, बड़ा या समझदार। महसूस करने लगी यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी। अब यहाँ पे महसूस हो रहा है, महसूस का मतलब अनुभव करना, महसूस का मतलब अनुभव करना, महसूस मतलब अनुभव करना। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी होता है 100 वर्षों का समय, यानी 100 वर्ष का समय, शताब्दी का अर्थ क्या हुआ 100 वर्ष का समय, शताब्दी में पैदा हुई थी मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं, इसलिए मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला जामुनी ग्रे काला चॉकलेटी, ये कपड़ों के कलर हैं। चॉकलेट होता है चॉकलेट जैसा रंग, ठीक है, चॉकलेट होता है चॉकलेट जैसे रंग वाला, और ग्रे होता है स्लेटी। ग्रे क्या होता है स्लेटी, ग्रे स्लेटी, चॉकलेट चॉकलेट जैसे रंग वाला। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहने, अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुंटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में
इतराते बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टैंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ कोटी। तो पीछे में अभी एक पेज हम पढ़ चुके हैं। इस पेज में मैंने शब्दार्थ बताए थे आपको। पहला था उम्र का आयु अवस्था, सयाना बड़ा या समझदार, महसूस अनुभव करना, शताब्दी सौ वर्ष का समय। और ग्रे का अर्थ बताया था स्लेटी। ग्रे का अर्थ क्या है? स्लेटी। और चॉकलेटी यानी चॉकलेट जैसे रंग वाला। तो आज हम फर्स्ट पेज पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद आगे का पेज। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो आज के लिए प्रिय बच्चों, आज इतना ही। जो मैंने पीछे शब्दार्थ बताए हैं, उन शब्दार्थों को आपने गृह कार्य के रूप में कॉपी में करना है। गृह कार्य सुंदर करना है। और यानी वर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने पाठ नंबर लिखें, पाठ नंबर 2, और पाठ का नाम अवश्य रखें। और एक साइड में डेट भी डालें, जैसे आज की डेट में कौन सा वर्क दिया। जैसे डेट आज 15 है, 15 की तारीख में आज लेसन 2 स्टार्ट हुआ है और उसके शब्दार्थ दिए गए हैं, तो आपने डेट भी डालनी है। आज के लिए इतना ही वीडियो। अगला पाठ, इसका जो बकाया जो पाठ है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और इसके कुछ और सी शब्दार्थ करेंगे। धन्यवाद।